भाई जान, अभी भी इतनी हर चीज के बावजूद इंडिया का कल एक मैच बाकी है, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स। आपकी कॉल टफ मैच है। हाँ जी, इंडिया। आपकी इंडिया? ये मैं भी इंडिया ही कहूंगा, इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ कि नेदरलैंड्स के। अच्छा भाई, ऐसे दो चार सवाल हमारे आज के मैच के बाकी हैं, ले लेते हैं उनको, बात कराइए हमसे। जैद बिन लियाकत कहते हैं पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल में जा सकता है अगर आज से ही 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दे। बात सच है। दो प्रेडिक्शन पे मुझे क्या नाम मिला, एक मैंने कहा था इंडिया फाइनल खेलेगी हॉट फेवरेट, और मैंने कहा रविंद्रा का कहा था ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा। बिल्कुल ऐसा, मेरे लिए कोई बड़ा नाम है। मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ, मैं दुआ करूंगा आपकी। ये बॉल, ये बॉल दे दें बॉल। ना ना ना, दो प्रेडिक्शन सही हुई है। भाईजान अभी दो बॉल ले लो। ना ना, ये वाली नहीं। अच्छा ख्वाहिशों का मैं एहतराम करूंगा। टोकन नहीं, टोकन नहीं। शरी शरी इमाम कहते हैं आज अस्सलाम वालेकुम, क्या है ये फ्रॉम इंडिया, विद दिस बीइंग लास्ट मैच एंड पाक हैविंग नथिंग मच टू लूज, डू यू ऑल थिंक दे कुड हैव ट्राइड अबरार दैट टू इन कोलकाता व्हिच हेल्प्स स्पिनर्स? वो रिजर्व में था, कैसे खेल? यस नहीं, देखें एंड वाला गेम था वो, किसी को भी करा के कर, वो ये था अगर शादाब को ये डिक्लेयर कर देते अनफिट वो चला जाता एक मैच में, और अबरार को इन करना चाहिए था, इनको करना चाहिए था। ठीक है, सही है, गुड पॉइंट। अगला मोहम्मद अब्बास डार लिखते हैं क्वेश्चन टू आमिर इनमाद, कंपेयरिंग बाबर विद कोहली, डू यू थिंक इट इज एन इंसल्ट टू कोहली? नहीं, इंसल्ट की बात नहीं है, इंसल्ट तो ऐसी कोई नहीं है, अनफेयर है दोनों के लिए, दोनों के लिए अनफेयर है, क्योंकि अभी बाबर कंपेयर करना ही गलत है। विराट कोहली ने वो अचीव कर चुका है ग्रेटनेस जो भी करनी है बाबर, जो बाबर को करनी है चाहिए, और मैचेस जितवाने। कोहली को कंपेयर करना है कम से कम अहमद शहजाद से करना चाहिए। नहीं, अहमद की भी बहुत परफॉर्मेंसेज है, ऐसी बात नहीं है। मिलते भी शक्ल से मिलते हैं ना यार दोनों। एक वक्त, हाँ एक वक्त था कि उसके बहुत जबरदस्त स्कोर थे, और अहमद भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है पाकिस्तान। रजाक भाई और कुछ है हमारे पास? हेलो ताबिश, नाइस शो, थैंक यू संदीप। क्या आपको लगता है पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 डिफाइन नहीं कर पाया स्टार्ट से ही? yes. अच्छा पॉइंट लिया संदीप ने। देखिए, हमने शुरू में ये कहा था कि जैसे अमर ने कहा है ना कि ये जो प्लेटफॉर्म होता है यहाँ परफॉर्मेंस वाला होता है, यहाँ पे आपको प्रूव एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने, इनके पास कॉम्बिनेशन बना ही नहीं है, इसलिए नहीं बना कि इन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की आज से दो साल पहले की, इसलिए नहीं बना। सही है भाई। खवातीन और हज़रात, वर्ल्ड कप से हम बहरहाल हो चुके हैं बाहर, अब हम बाहर बैठ के दूसरों के मजे लेंगे, तभी फाइनल्स, फाइनल्स स्टार्ट होने वाले, अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दुआ करेंगे। जब तक ये वर्ल्ड कप चल रहा है मैं तो आता रहूंगा, कल दोबारा हारनामा लाइव में मुलाकात होगी आपसे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।